नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में सोमवार को बड़ी संख्या में पीजी डॉक्टरों ने सभी ओपीडी में सेवा दे रहे सीनियर और जूनियर डॉक्टरों को काला बिल्ला लगाया। आगामी 3 दिनों तक जूनियर डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर मरीजों का इलाज करेंगे। इसके बाद वो ओपीडी बहिष्कार का भी फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि एमबीबीएस पास डॉक्टरों को उच्चतर और विशेषज्ञ पढ़ाई के लिए नीट पीजी की परीक्षा पास करनी होती है। नीट पीजी एंट्रेंस परीक्षा की सभी प्रक्रिया सितंबर महीने तक पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा अभी तक नहीं हो सका है, जिसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग नीट पीजी काउंसलिंग के डिले के कारण विरोध कर रहे हैं। अभी वार्ड में काम करने के लिए हम लोग के पास सफिशिएंट हैंड्स नहीं है, पेशेंट्स लोड उतने ही है, उतने ही पेशेंट्स आ रहे हैं। कंसल्टेंट्स के नीचे सिर्फ हम लोग 3-4 रेसिडेंट ही बचे हैं, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हम लोग का। जो हमारे सीनियर्स थे उनका थीसिस साइन हो गया है, वो लोग अब रिलीविंग पे चले जाएंगे, तो बाद में कोई बचेगा नहीं काम करने के लिए, और पेशेंट लोड उतने ही आ रहे हैं, तो अभी बहुत दिक्कतें हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। बस यही हमारी मांग है कि काउंसलिंग को जल्दी से एक्सपेडाइट किया जाए, जल्दी हमारे फ्रेश हैंड्स आए, ताकि हम लोग भी थोड़ा आराम थोड़ा सा कर सकें। जो हमारे ये पीजी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये तो जेन्यून है। गवर्नमेंट इस संबंध में बहुत ज़्यादा जागरूक होनी चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो नया बैच को लावे। फर्स्ट ईयर हमारे ऑलरेडी 1 साल के गैप पर लेट हो चुका है, जितना जल्दी आएगा हमारे अभी नीचे के बच्चे पे मतलब प्रेशर कम पड़ेगा, और अभी कोरोना का इफेक्ट फिर से चालू हो गया है, तो ये सब के देखते हुए लग रहा है कि वर्कलोड अगर बढ़ेगा, हमारे पास डॉक्टर की कमी रहेगी, तो इससे दिक्कत बढ़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो उसे इस पर ठोस निर्णय ले, और जल्दी से जल्दी नए पोस्ट ग्रेजुएट की मतलब एडमिशन के लिए कदम उठा दे। नीट पीजी एंट्रेंस की काउंसलिंग की परीक्षा छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे लेकर जल्द से जल्द फैसला आ जाना चाहिए। पहले से ही नीट पीजी प्रवेश की प्रक्रिया कोरोना की वजह से लेट हो चुकी है, अब और देर हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।